तो दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे एक कूलर का जो कि हमें मिलता है सिम्फनी की तरफ से। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि किस तरह से ये कूलर है, क्या क्या इसमें फ़ीचर मिलते हैं और कैसे इसको असेंबल किया जाता है, वो भी घर में ही। तो फ्रंट एरिया हमें कुछ इस तरह से इसका देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी वाइड कूलर ये हमें देखने के लिए मिलता है और काफ़ी अच्छी कूलिंग कैपेसिटी भी इसमें लगती है। और साइड की तरफ से आप देख सकते हैं तो यहाँ पे भी हमें हनीकॉम ग्रिल मिलता है और आई प्योर टेक्नोलॉजी के साथ ये हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो हनीकॉम से आप देख सकते हैं कितना सही पैडिंग यूज़ की गई है इसमें और चारों तरफ से पैक्ड है। तो सामने के ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं इसमें मिल जाता है हमें पाइप जो काफ़ी लंबा है, कम से कम 1 मीटर से तो ज़्यादा ही लंबा है। और यहाँ पे हमें सुमो की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच मिल जाते हैं जो कि हाई मीडियम लो यूज़ करते हैं। ये जो बटन है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं इसमें। और यहाँ पे वारंटी के लिए हमें एक QR कोड स्कैनर दिया गया है। और फ्रंट की तरफ से आप देख सकते हैं कि कितना चौड़ा इसका वाइडर एरिया है। और ये जो प्लास्टिक है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है। तो चलिए अभी इसकी सारी पॉलीथीन को हटाएंगे और फिर देखते हैं कि कैसा ये लगता है। तो अभी इसमें जो व्हील आते हैं वो देख लेते हैं कैसे हैं। तो व्हील जो है कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। चार व्हील हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं जो काफ़ी सॉलिड मटेरियल है इसका और काफ़ी हार्ड प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है। तो ये कुछ व्हील है, इनको निकाल के देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए व्हील का कितना सही मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। काफ़ी स्ट्रांग ये लग रहा है और व्हील भी आप देख सकते हैं, दोनों व्हील हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो काफ़ी सही चीज़ हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती है, काफ़ी सही मटेरियल और प्लास्टिक क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रांग है इसकी। ये जो प्लास्टिक है वो बहुत ही स्ट्रांग क्वालिटी का इसमें यूज़ किया गया है। यहाँ पे दो स्क्रू लगाएंगे और ये इसमें फिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी से लगाते हैं और देखते हैं कि फिर ये कूलर कैसा दिखता है। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। तो नीचे का बेस कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हमारे फिक्स होंगे वो कोस्टर व्हील, ठीक है, ये एक दो, तीसरा ये और चौथा ये। यहाँ पर ये हमारा ड्रेन करने के लिए, तो जब भी हमारा कूलर भर जाएगा तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पानी को निकाल सकते हैं। ये है ड्रेन कैप और यहाँ से हमारा सारा पानी बाहर आ जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा इसमें मिल जाता है हमें। तो चलिए इसको फिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो व्हील है कुछ इस तरह से है और हमें इसको यहाँ पर ऐसे फिक्स करना है, कुछ इस तरह से ये फिक्स हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए ये अच्छे से यहाँ पर पूरा फिक्स हो गया है और अब इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का लग रहा है। ठीक इसी तरह से हमें ये चारों फिक्स करने होंगे। ये भी इसमें फिक्स हो गया है, कुछ इस तरह से लग गए हैं। तो ये फोर्थ वाला है, इसको भी हम ऐसे ही फिक्स कर देंगे। तो चारों ये कुछ इस तरह से फिक्स हो जाते हैं। तो अब इसको स्क्रू की मदद से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं ये वाले स्क्रू। तो दो दो स्क्रू हर एक उसमें लगेंगे। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको लगा देते हैं। इस तरह से फिक्स कर देंगे। चारों व्हील अभी हमने फिक्स कर दिए हैं स्क्रू ड्राइवर से। तो चलिए अब इसको नीचे निकाल के देख लेते हैं कि कैसा ये दिखने में लग जाता है। तो चारों व्हील लगा के कुछ इस तरह से ही देखने के लिए मिलता है और इतना ऊंचा हो गया ये, तो मूवमेंट में भी इजी रहेगा कि अब मैं इसको कहीं पर भी लेके आ सकता हूँ और कहीं भी ले जा सकता हूँ। ईजिली मूवमेंट हमारा इसमें हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, चलिए इसको अब अनरैप करते हैं और देखते हैं कि कैसा ये अंदर से दिखता है। तो सामने की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल जाते हैं कुछ बटन्स और ये जो बटन्स है देखिए क्रोम फिनिश के साथ आते हैं, दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। लो, मीडियम, हाई, ऑफ, हमें ये तीन ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें। और स्विंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, स्विंग प्लस कूलिंग के लिए मिल जाता है, सिर्फ कूल करना हो तो पंप चलाने के लिए ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, ऑफ करने के लिए हमें ये मिल जाता है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्टडी है, यूज़ करने में लग रहा है, सॉफ्ट मूवमेंट है। और यहाँ पे हमें सुमो की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे हमें मिल जाता है सिम्फनी का एक ब्रांडिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। ये फैन के लिए हमें ऑप्शन मिल जाते हैं और ये हमारा पंप के लिए और स्विंग करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको वारंटी को अवेल करने के लिए हमें ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट ग्रिल की तरफ देख लेते हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि कितना चौड़ा इसमें वाइडर एरिया मिल रहा है हमें, जिससे कि हवा का थ्रो हमें काफ़ी अच्छा आने वाला है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आइस वाटर के लिए हमें एक ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे हम आइस डाल सकते हैं इस तरफ और उससे क्या होगा, ज़्यादा अच्छी कूलिंग हमें देखने के लिए मिल जाएगी।
तो अंदर की तरफ से एक देख सकते हैं आप, ब्लू कलर के हनीकॉम का यूज़ किया गया है। यहाँ का जो वाइडर एरिया है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी ज़्यादा वाइड एरिया लग रहा है। और ये जो फिन्स हैं ये भी काफ़ी स्ट्रांग मटेरियल लग रहे हैं इसमें, और नीचे वाला भी काफ़ी सही मटेरियल है। तो कुछ इस तरह से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं हम, हालांकि कंप्लीट बंद नहीं होता है बट पार्शली तो कवर कर ही रहा है इसको। तो ये काफ़ी सही है, काफ़ी ब्रॉड है, एयर थ्रो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और ये जो अंदर की तरफ ब्लैक वाले दिख रहे हैं ये हमारे स्विंग करते हैं जब हमारे कनेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी से। तो लेफ्ट साइड की तरफ दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम्फनी का लोगो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। ब्लू कलर का कलर यूज़ किया गया है इसमें जो काफ़ी सही लग रहा है। और यहाँ पे कुछ फिल्टर्स वगैरह दिए गए हैं और आई प्योर टेक्नोलॉजीज में यूज़ की गई है कुछ एयर फ्लो को फिल्टर करने के लिए। यहाँ पे एक मैश दी गई है छोटी सी, शायद आप देख पा रहे होंगे, ये जो पतली सी मैश दिख रही है आपको, तो ये फिल्टर का काम करेगी। इसके अंदर पे आप देख सकते हैं ये जो पतली सी मैश हमें दिख रही है, ये है हमारा फिल्टर का काम करने के लिए। और जो हनीकॉम है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है तो काफ़ी अच्छी कूलिंग होने वाली है, हालांकि इट विल टेक मोर टाइम टू कूल, बट एक बार ये जो वेट हो जाएंगे तो अच्छे से कूलिंग देंगे। काफ़ी ब्रॉड एरिया आते हैं यहाँ पर, कितना ज़्यादा वाइड एरिया कवर कर रहा है ये यहाँ पर हमारा पानी भरने के लिए है। और यहाँ पर ओवरफ्लो टैंक है, ठीक है, ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ये अपने आप यहाँ से ड्रेन हो जाएगा, ये ओवरफ्लो पानी ज़्यादा होने के बाद यहाँ पे से ड्रेन हो जाएगा। इस साइड पे हमें मिल जाता है टैप से पानी भरने के लिए, तो ये काफ़ी सही ऑप्शन इसमें देखने के लिए मिल जाता है। हमें सीधे डायरेक्ट नल से कनेक्ट किया और पानी भर लिया, और ज़्यादा ओवरफ्लो हुआ तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो हम इसको यहाँ से डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए आए। वायरिंग देखिए जी आप, हालांकि थिन वायर है पर सही है, और ओपन करने के लिए यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो ओपन करने का देख लेते हैं क्या है इधर से। पीछे की तरफ से तो ओपन हो ही नहीं रहा है, तो चलिए इस साइड का व्यू दिखाता हूँ मैं अंदर से कैसा है। तो अंदर से आप देख सकते हैं कि हनीकॉम्स कुछ इस तरह के इसमें यूज़ किए गए हैं, और काफ़ी डेंस हनीकॉम का इसमें इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आप देखो इसमें हनीकॉम दिख रहे हैं। और वायरिंग भी आप देख लीजिए कुछ इस तरह से है, फ़ैन जो है वो प्लास्टिक की क्वालिटी का है, प्लास्टिक का फ़ैन इसमें यूज़ किया गया है। और 3 to 5 फिन्स इसमें दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, और प्लास्टिक का है, और क्वालिटी तो काफ़ी सही है, प्लास्टिक भी अच्छी क्वालिटी का इसमें लग रहा है। मोटर को कुछ इस तरह से यहाँ पे वाइंड किया गया है, और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ से पानी इसमें ना पड़े, मोटर में पानी ना जाए। और पीछे की तरफ से भी कुछ इस तरह से इसको कवर किया गया है, और ये जो वायरिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं हनीकॉम का यूज़ किया गया है, यहाँ पे हमें एक इंडिकेटर मिल जाता है, वाटर लेवल इंडिकेटर, और यहाँ पे हमारे वो जो टाइट हुए थे। तो अंदर की तरफ आप देख सकते हैं कुछ इतना कचरा सा भरा हुआ है, तो इसको पहले ड्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका ये वाटर पंप देखने के लिए मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से सारा पानी हमारा इन फिन्स के थ्रू होते हुए जाएगा। इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने क्या किया गया है कि वो जो वाटर पंप जो आ रहा है यहाँ से होते हुए नीचे से पूरा पानी ऊपर जाएगा, और यहाँ से चारों तरफ ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एरिया दिया गया है इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि पानी सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, तो ये पूरा एरिया वहाँ तक फैला हुआ है, तो चारों तरफ ये यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होगा पानी। और बाकी की इलेक्ट्रिक वायरिंग इधर से हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो अंदर से कुछ इस तरह से देखने के लिए आपको मिल रहा है, तो काफ़ी सही मटेरियल यूज़ किया गया है, लुक भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसको फिल करके देखते हैं और कैसे काम करता है ये भी देख लेते हैं। तो एयर थ्रो की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा एयर थ्रो हमें इसमें देखने के लिए मिल रहा है। अभी हाई स्पीड में चल रहा है, उसके बाद मीडियम में चलाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि नॉइज़ कितना प्रोड्यूस कर रहा है। अभी मैं पंखे के पास ही इसको रखा हुआ हूँ, लो में आप देख सकते हैं कितना लो नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हाई मीडियम, हाई में कुछ इस तरह से हाई का साउंड है, हाई में कुछ इतनी साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि काफ़ी ज़्यादा साउंड है, ये एवरेज साउंड है। और अगर इसमें स्विंग करके देखते हैं देखने के लिए मिल जाता है।
लाइट नहीं थी इसलिए हमने इन्वर्टर पे इसको चेक किया था। इन्वर्टर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी सही बात है हमारे लिए। वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना डेंस हनीकॉम इसमें यूज़ किया गया है और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी। आप देख सकते हैं कि कितना वाइडर एंड डेंस क्वालिटी का इसमें हनीकॉम यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जब एक बार कूल गीला हो जाता है ये पूरा तो काफ़ी अच्छी कूलिंग देता है। तो यहाँ पे भी हमें सिम्फनी की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये जो आई फिल्टर दिख रहे हैं आई प्योर टेक्नोलॉजी, इसमें जो ग्रीन एंड वाइट कलर की एक मैश लगी है वो फिल्टर की तरह यूज़ करने के लिए बोला है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसका कुछ यूज़ होगा। बट कंपनी ने अपने प्रचार के लिए तो किया हुआ ही है कि हमारे पास आई प्योर टेक्नोलॉजी है, जिसमें सिर्फ दो पतली सी मैश लगा के उनको दिखा दिया कि ये फिल्टर है हमारे। तो फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से इसमें फिटिंग काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें पानी भरते हैं और कूलिंग का मज़ा लेते हैं। देख लीजिए, तो आप देख लीजिए कि हमने अभी कूलर का जो पानी डाला है इसमें और जो पंप इसका काम कर रहा है इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सभी जगह पर। आप देख सकते हैं पानी किस तरह से सारा डिस्ट्रीब्यूट होते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। उससे क्या होगा कि जो हम हनीकॉम है वो इजीली वेट हो जाएंगे और जैसे ये पूरे वेट हो जाएंगे तो अच्छी कूलिंग हमें देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सभी हनीकॉम में इक्वल पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यहाँ से आप देखो पानी फिर वापस नीचे चले जाएगा। तो पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सभी हनीकॉम पे और ईजीली नीचे की तरफ जा रहा है। ओवरफ्लो हो गया था तो यहाँ से पानी निकल गया है और बाहर देख सकते हैं आप इधर ओवरफ्लो से ये पानी निकल गया था। तो आप देख लीजिए किस तरह से पानी सभी जगह इवन डिस्ट्रीब्यूट होकर वहाँ पर आ जाता है और हनीकॉम इक्वली जल्दी ही वेट हो चुके हैं, इससे हमें अच्छी कूलिंग मिलने वाली है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से किस तरह से वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो काफ़ी सही इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है पानी का और अच्छे से ये फिन्स भी गीले हो रहे हैं हनीकॉम के और कूल एयर तो आनी ही आनी है। तो फुल नाइट चलने पे आपको ये कूलर कितना पानी का कंज्यूम करता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70 लीटर इसकी कैपेसिटी है और कल रात मैंने इसको पूरा फिल किया था एटलीस्ट से यहाँ तक, मतलब कि 60 लीटर में मैंने पानी डाला था, 20 लीटर वाली बाल्टी। और अभी भी इसमें वाटर लेवल आप देख सकते हैं, शायद ही दिख जाए, कोशिश करता हूँ। तो आप देख लीजिए पानी अभी भी बहुत है इसमें। तो यहाँ पर इंडिकेटर, वाटर लेवल इंडिकेटर हमें देखने के लिए मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा है। ये जो ब्लैक कलर के इसमें लाइनिंग दी गई है काफ़ी अच्छा लुक दे रही है इसको, देख लीजिए चारों तरफ ब्लैक कलर की लाइनिंग मिल रही है और अंदर से ब्लू कलर का जो हमारा हनीकॉम है वो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है इसको। और फ़ैन आप देख सकते हैं प्लास्टिक का फ़ैन इसमें यूज़ किया गया है, सोमो की ब्रांडिंग इसमें देखने के लिए मिल जाती है। और फ्रंट से फ़ैन कुछ इस तरह से, कुछ कैप वगैरह भी कुछ नहीं लगी हुई है, यहाँ पे भी अगर कुछ कैप लगी होती तो सही लगता। तो दोस्तों इतना ही कुछ था इस कूलर में और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव इससे लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूँ और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये कूलर कुछ इस तरह से था, तो इस तरह के वीडियो मैं आगे भी लेके आता रहूँगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।